हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है और इसमें बताया है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो कब से कब होने वाला है। तो इस नोटिस में बताया गया है सीवीटी 1 के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो 5 फेज में होगा और पहला फेज का जो डेट है वो 28/12/2020 से लेकर 13/1/2021 तक आपका एग्जाम होगा। तो जिन छात्रों का अभी तक ईमेल नहीं आया है वो चिंतित ना हो, आपका जो एग्जाम होगा वो दूसरे फेज में होगा और जिन लोगों को ईमेल आया है तो उनका जो एग्जाम है इस डेट के ही बीच में होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि जिन कैंडिडेट का एग्जाम इस फेज में है वो अपने 10 दिन पहले एग्जाम सिटी और डेट देख सकते हैं और साथ ही 4 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 28 तारीख को है तो आप अपने एडमिट कार्ड है जो कि 25 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनका भी अभी तक ईमेल नहीं आया है वो अभी इंतज़ार करें, जिनका इस फेज में एग्जाम है उन्हीं को अभी तक है जो कि ईमेल आया है, और अगर जिनका अभी तक आया नहीं है तो वो अपने आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहिए लगातार। और साथ में चौथा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि जिनका भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपने आरआरबी से संबंधित जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाकर आप अपने जो भी आपको दिक्कत है वो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। तो जिन छात्रों का एग्जाम पहला फेज में है तो आप लोग तैयारी में लग जाए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।